Hi guys, namaste. Welcome back to my channel and I'm Suman. पुरानी रेसिपीज खा खा के बोर हो गए हैं ना, मैं भी बोर हो जाती हूँ जब भी मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे आती हूँ दोबारा, बिकॉज राइट नाउ अगेन आई एम ऑन माय वेट लॉस जर्नी. मुझे कुछ किलोज ही शेड करने हैं, सो मैं पुरानी रेसिपीज खा खा के बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ. सो मुझे कुछ एक्साइटेड चीज़ें चाहिए होती है, कुछ यमी चीज़ें चाहिए होती हैं जिसकी हेल्प से मैं अपनी डाइट पर स्टे कर सकूँ, लंबे टाइम तक उस पर टिक सकूँ और मैं बोर ना हूँ. अगर मैं बोर होंगी तो मैं बाहर का खाना खाऊंगी या मुझे क्रेविंग होगी, सो मैं घर के खाने से ऐसी ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ जिससे मेरी क्रेविंग भी खत्म हो जाती है, मेरी वेट लॉस जर्नी भी स्मूथ रहती है एंड जो रिच इन प्रोटीन होता है और जिसकी हेल्प से मेरा वेट लॉस का जर्नी बहुत ही अच्छा निकलता है और जो रिजल्ट्स हैं वो अमेजिंग होते हैं. उसके लिए मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ आप ना. नेक्स्ट, अब हम बनाते हैं 3 ऐसी रेसिपीज जो कि लंच एंड डिनर में हम फॉलो कर सकते हैं, हम ले सकते हैं अगर हमें फास्ट वेट लॉस चाहिए. ये तीनों रेसिपीज रिच इन प्रोटीन है, बहुत सिंपल है बनाना. सो फर्स्ट रेसिपी है बीन्स कैप्सिकम एंड पनीर का सैलेड, बहुत ही यमी, बहुत सारे मसाले डालेंगे उसमें. कैसे बनाना है आ जाओ. सो हमें फर्स्ट रेसिपी के लिए चाहिए शिमला मिर्ची, बीन्स, सन्ना काटी हुई टमाटर और हमारे पास है ये बड़े प्याज. सो अब हम बनाएंगे फर्स्ट रेसिपी. अच्छा, सबसे पहले हम प्याज को सैलेड की तरह पिक कट कर लेंगे. हमें एक ही प्याज चाहिए, ये हम रखेंगे बाकी रेसिपीज के लिए. ओके, पैन तो मेरा हीट हो गया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल, बहुत थोड़ा सा डालूंगी है ना, काफ़ी है. इतना डाला है हमने ऑलिव ऑयल, आप ऑलिव ऑयल मस्टर्ड ऑयल कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं. इसको हम गर्म होने देंगे. इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा जीरा, इसको पॉप होने देंगे. ओके, सबसे पहले इसमें डाल देंगे हम प्याज हमारे, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा आधा टमाटर. हमें इसे थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का रखना है तो हम सैलेड फॉर्म में इसको रखेंगे. इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरे बीन्स आधी कटोरी, एक मेरी शिमला मिर्ची, साथ साथ बच रहे मेरे क्लाइंट्स के कॉल्स जो मैं शूट के बाद ले लूँगी. अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर, थोड़ी सी सीजनिंग ताकि सैलड सैलड वाला फॉर्म ना देना हमें, हल्की सी सीजनिंग डाल ली हमने. नेक्स्ट थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला, बड़ा स्वाद लगती है सैलड इसके साथ. अच्छे से इन सबको हमने मिक्स करा, सिम आंच पे ढक के हम इसको पकाएंगे फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए. सिम आंच पे, बहुत ही सिम आंच पर कर दी मैंने गैस सिम. 5 मिनट के बाद इसको देखते हैं, बहुत अच्छी खुशबू है, सीजनिंग से बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है. इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा पनीर, होममेड पनीर है ये, हमने कॉटन क्लोथ्स में बनाया था. गैस कर दी है बंद, मिक्स करके सैलेड रेडी. मुझे ऐसा लगता है खाना बना के, खाना जो हम सर्व करते हैं ना वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, अदरवाइज़ खाना अगर ढंग से प्रेजेंट नहीं है ना बंदा खा नहीं पाएगा ढंग से खाना, नहीं उसको लगेगा एक तो मैं डाइट पे, ऊपर से ये सब्जियाँ, तो फिर कुछ ढंग से बना के तो दो. बस अब गुड टेस्ट के लिए मैं डाल रही हूँ इस पर लेमन जूस, सर्दी लगी हुई है तो लेमन जूस हम अवॉइड करेंगे. एंड दिस सैलेड इज़ एब्सोल्युटली रेडी, खुशबूदार, खुशबू अच्छी आ रही है ना. सैलेड इज़ रेडी, ये यूज़ हो जाएगी मेरे डिनर में, तब तक हम इसको रखेंगे. सेकेंड रेसिपी है मेरे पास गट्टे की सब्जी. ओह माय गॉड, इट्स सो यमी, पूरा का पूरा बेसन एंड बहुत अच्छी रेसिपी है. जीरो ऑयल की हम गट्टे की सब्जी बनाएंगे और वो इतनी टेस्टी है विद कस्तूरी मेथी, क्या बता रही हूँ मैं आपको, चलो बनाते हैं. अब हम बना रहे हैं गट्टे की सब्जी, लंच टाइम भी हो रहा है और ये बनाएंगे हम बिना ऑयल के, सो हम सब लंच भी कर लेंगे इससे ना. ओके, यहाँ पे मेरे पास प्याज है, प्याज को मैं मोटा मोटा काटूंगी क्योंकि मुझे इन सबको पीसना है. बहुत यम्मी हम गट्टे की सब्जी बनाते हैं बिना तेल के, जीरो ऑयल से. ये रहे प्याज हमारे. नेक्स्ट यहाँ पे मैं ले रही हूँ टमाटर, पानी उबल रहा है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरे प्याज और टमाटर बॉइल्ड होने.
अब इसको हम उबलने देंगे अच्छे से 5-10 मिनट के लिए, तब तक हम अपने गट्टे तैयार कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम बना रहे हैं गट्टे की सब्जी। गट्टे की सब्जी के लिए मुझे चाहिए बेसन, सो यहाँ पे मैं लूँगी बेसन। चलना गर्म पानी दे बच्चा, एक कटोरी जितना मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, एंड क्योंकि हम सब मिलके खाएंगे तो मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरी अजवाइन बहुत अच्छे से। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी पाउडर। ओके, नेक्स्ट थोड़ी सी मेरी हिंग पाउडर। ओके, थोड़ा सा मेरा सूखा धनिया पाउडर। गुड, अब मेरे पास है गरम पानी क्योंकि मेरे नेल्स लगे हुए हैं, संजना इसका आटा गूंदेगी। okay, ये गूंद लिया हमने गट्टे का आटा, और इसके हम बनाएंगे बहुत अच्छे अच्छे से गट्टे जिसको हम बॉईल करेंगे बिना ऑयल का। गरम पानी से बहुत अच्छा आटा गूंदता है। ओके, यहाँ पे हमारा पानी उबल रहे हैं, ये रहे हमारे गट्टे, इसको हम उबलने रखेंगे कम से कम 15 मिनट के लिए। 2-3 उबाले तेज आंच पे, फिर सेम आंच पे। प्याज टमाटर उबल चुके हैं, हम इन्हें छान कर अब ठंडा होने देंगे और उसके बाद पीसेंगे। अब हम लगा रहे हैं तड़का। सो यहाँ पे मेरे पास पैन है, ये रहे पिसे हुए प्याज टमाटर, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी जिसमें हमने प्याज टमाटर उबाले थे। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हमारा हींग पाउडर इसमें भी। इसको खूब अच्छे से हमने मिक्स करना है। इसको अब हम उबालेंगे 2-3 मिनट। ओके, यहाँ पे हमारे गट्टे भी रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं, हाँ पक चुके हैं। ओके, इसके अंदर अब हम डाल देंगे हमारे कुक किए हुए गट्टे। इसके अंदर हम डाल दें हमारी कस्तूरी मेथी, डाल दिया, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है इससे, बहुत बहुत अच्छी। 2 मिनट इसे और कुक करेंगे एंड इट्स रेडी। ओके, सो हमारा लंच बिल्कुल रेडी है। जो वेट लॉस पे हैं वो इसे बिना चपाती के साथ खाएंगे, जो मेंटेनेंस पे हैं वो इसको चपाती के साथ खाएंगे। ओके, नेक्स्ट रेसिपी, जो जो अनियन लवर है, जिन जिनको प्याज बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे प्याज बहुत अच्छे लगते हैं, कभी कभार मैं होम्योपैथिक मेडिकेशन पे आती हूँ तो मैं प्याज छोड़ देती हूँ, बट मुझे प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है। जो छोटे वाले प्याज आते हैं ना, जो ये वाले हैं, ये देखो ये वाले जो छोटे छोटे प्याज होते हैं, इनकी पनीर के साथ जो सब्ज़ी बनती है माशाल्लाह, वो इतनी स्वाद बनती है, इतनी टेस्टी बनती है ग्रेवी वाली सब्ज़ी, और इतनी यम होती है, मैं क्या बताऊँ, देख के आपको समझ आ जाएगा। आज हमारी तीसरी रेसिपी भी अब हम बना रहे हैं। ओके, थर्ड रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं प्याज और पनीर की सब्ज़ी। उसके लिए मेरे पास 3 टमाटर हैं जो कि मैं पानी में उबलने रख रही हूँ, एंड इसमें भी हम ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है गरम पानी, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरे छोटे छोटे कटे हुए प्याज, नहीं छोटे प्याज, कटे तो नहीं हुए, छील रखे मैंने इन्हें। सो ये जो प्याज है आराम से ये मैंने इसमें डाल दिया। मैं इसे सोक कर रही हूँ गर्म पानी में कम से कम 10-15 मिनट के लिए ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। सो अब लगाएंगे हम तड़का, बहुत ही सिंपल है। बॉइल्ड और पिसे हुए हमारे टमाटर 3, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, जिस पानी में हमने टमाटर उबाले थे उसी पानी को मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा और। नेक्स्ट ये जो मेरे प्याज मैंने सोक कर रखे थे ये मैं इसमें डाल दूंगी, उससे हो गया पानी भी। थोड़े से मसाले इसमें ऐड करते हैं, हल्दी, पिंच ऑफ हिंग पाउडर, सूखा धनिया पाउडर। नेक्स्ट मैं डाल रही थोड़ी सी सीजनिंग, बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसको हम 5 मिनट के लिए सिम आंच पे पकाएंगे, बिल्कुल 5 मिनट्स के लिए ऑन सिम फ्लेम। नेक्स्ट मेरे पास है पनीर, ये ऑलमोस्ट पक चुके हैं प्याज, मैंने इसमें डाल दिया पनीर, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ खूब अच्छे से। गैस बंद करने के बाद मैं इसमें डालूंगी मेरी कस्तूरी मेथी, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी,
बहुत अच्छी खुशबू आ गई है। इट्स रेडी। ओके जी, वेलकम बैक। सो ये थी मेरी तीनों रेसिपीज, इसको हम ट्राई करेंगे। मुझे अपनी बिफोर एंड आफ्टर भेजना मेरे इंस्टाग्राम पे, एंड आई होप मैं इतना अच्छा वर्क करती रहूँ कि मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज लेके आती रहूँ, जिससे आपकी वेट लॉस जर्नी स्टे करे, लंबी चले, एंड उसमें आप बोर ना हो, सेम विद मी। सो यार, दैट्स इट। टेक केयर। मैं आप लोगों के लिए प्रे करूँगी, आप हमारे लिए प्रे करना। सो टेक केयर जी, बाय बाय।